कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस। इस गेम के अंदर हम लोग एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी लगी है बॉर्डर पे, और हमें वहाँ पर अपनी कंट्री में आने वाली गाड़ियों के परमिट चेक करने हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं, बातचीत चलते रहेगी। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से जिसने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया उसको भाई दबा दो यार, जल्दी से, नीचे आ रहा है उसे ग्रे करो। ओके गाइस, तो ये है अपना डे वन और अभी हम लोग जा रहे हैं करीतका बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां तक मुझे पता है, मैंने सही पढ़ा है। और ये टाइम, ये हॉरर स्टार्टिंग की होती है यार हर गेम की। ओके, ये अपने साथ एक ऑफिसर है जो कि हमें वहां तक छोड़ने के लिए जा रहा है। ये ऑफिसर है, सिक्योरिटी गार्ड है, और ऐसा लग रहा है इसको घास में रगड़ रगड़ के मारा है, इसकी यूनिफॉर्म इतनी ज्यादा गंदी हो रखी है। फिलहाल अभी हम लोग उसी बॉर्डर पर जा रहे हैं जहां पर हमें परमिट चेक करने हैं लोगों के, आती जाती गाड़ियों के। और ये जगह भाई सच्ची में ऐसा लग रहा है अगल बगल बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल है और पहाड़ है, और अपना जो परमिट का रास्ता है वो बीच में ही है भाई। ये सब जगह बहुत डेंजरस होते हैं भाई, यहाँ भेड़िए वेड़िए आ जाते हैं रात को। ओके ओके, हम लोग शायद वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, सिर के ऊपर से जा रही है इसकी लैंग्वेज, बट इंग्लिश में सब टाइटल आ रहे हैं, वो पढ़ के थोड़ा समझ सकता हूँ। और हम लोग गाइस फाइनली उस बॉर्डर पे पहुंच गए। मुझे लग रहा था ठोकने ले जा रहे हैं उधर। ओके ब्रो, मुझे ओके, वी आर हियर नाउ, रिपोर्ट टू द कमिश्नर, गुड लक। ओके, तो भी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मेरे को रिपोर्ट करना है उसे। वॉकी टॉकी यूज होगा क्या कि मुझे, अच्छा मुझे गाड़ी से बाहर निकलना है, ठीक है। ओ भाई, गाड़ी के बाहर कितना मस्त चिड़िया के चहचहाने का साउंड आ रहा है। और यही है गाइस वो बॉर्डर, मतलब आगे दूसरी कंट्री है, हम लोग एक दूसरी कंट्री में खड़े हैं, और जो गाड़ियाँ आएंगी हमें उनका बस परमिट चेक करना है, और वो गाड़ी मतलब लीगल है या फिर उन्हें परमिशन देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या भाई है, क्या बोल रहा है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। माई नेम इज कमिश्नर। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले ना मुझे अपने ऑफिस में जाना है, हम लोग यहाँ पर भाई काम करने आए हैं, ना कि यहाँ नज़ारे देखने। फटाफट से हम लोग ऑफिस में चलते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग पहले अपनी अटेंडेंस लगवा देते हैं। ओके लेट्स गो टेक ऑर्डर। अटेंडेंस लगाने के बाद अभी हमें ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे शायद से। है क्या कोई गाड़ी, ओ सामने से एक गाड़ी आ रही है, लेट्स गो। द फोल्डर ऑल्सो कंटेन्स अदर इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक ड्यूटी हैंडबुक। ओके, तो मेरे को सबसे पहले ड्यूटी हैंडबुक पढ़नी पड़ेगी ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि किस टाइप की व्हीकल्स को मुझे यहाँ से आगे जाने देना है और किस टाइप की व्हीकल्स को जाने नहीं देना, और थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो कुछ इस टाइप से नेम एंड सरनेम है और एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी है हर एक बंदे की, उसके पासपोर्ट की, उसकी गाड़ी की, सब कुछ चेक करना है भाई। और यहाँ पर भाई कुछ कुछ बंदे ये फोटोज कुछ इस टाइप से। ओके ओके, मैं समझ भाई, एकदम प्रोफेशनल है भाई हम लोग इस काम में। इसको बंद करो। सबसे पहले आज का अपना मिशन है हैंडल 3 व्हीकल्स करेक्टली। ओके, तो मैं सबसे पहले 3 गाड़ियों को एकदम करेक्टली चेक करके यहाँ से पास कराना है। ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई थिंक मुझे लीवर पुश करना है, उसके बाद वो ओके, तो अभी वो जो बैरियर है वो ओपन हो चुका है। एंड एक ओए, दो गाड़ी नहीं आएगी, हाँ बंद करो उसे भाई साहब, रोक लो। हाँ जी, बहुत सही, आपने गाड़ी यहाँ पर रोक ली है। इन ऑर्डर टू एंटर, ओके, तो अभी मेरे को सबसे पहले से शायद बात ही करनी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू पेपर दिखा बस, कह रहा है वो डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसे इसके मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता हूँ अभी। सर आपने डॉक्यूमेंट, अच्छा इसने दे, सॉरी, आपने दे तो दिया डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो अभी इसका जो है रजिस्टर फोर्ड, इसका नाम जो है वो ये है, नाम तो एकदम सही है भाई, इसका नाम एकदम सही है। और क्या चेक करूँ, गाड़ी का मैक्स वेट 1700 है, शायद से मैं वेट भी चेक कर सकता हूँ, मैंने यहाँ बैक में। ओके, तो बस मुझे यहाँ से निकाल देना है कि गाड़ी एकदम ओके है। डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक आर द ओनली रीजन फॉर रिटर्न। ओके, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, मीन्स व्हीकल कार्ड में या फिर इसके पासपोर्ट में या फिर परमिट कार्ड में, तभी हमें इनकी गाड़ी को वापस भेजना है। अदरवाइज ये सब चीज़ों की अगर दिक्कत है तो हमें इनको चालान काट के आगे भेज देना है। एक बार पहले मैं इसकी गाड़ी अच्छे से चेक कर लेता हूँ। गाड़ी एकदम ओके लग रही है, शीशे विशे, ओ गाड़ी में गाइस साइड मिरर्स टूटे हुए हैं, तो इसका चालान कटेगा ब्रो। और गाड़ी में आप कुछ रख वक के तो नहीं जा रहे, पता चला किसी को किडनैप करके ले जा रहा हो। बाकी तो ओके है गाड़ी, बस साइड मिरर्स नहीं है। आपका थोड़ा सा चालान काट लेता हूँ सर मैं, साइड मिरर्स हाँ ये रहे, तो दोनों ही मिरर मिसिंग है इसके। बाकी गाड़ी भाई बंदे की बिल्कुल ओके, आप जा सकते हो भाई, खुली छूट है, स्टैंप मैंने लगा दी। ये लो अपने पेपर्स वापस लो और फटाफट से निकलो यहाँ से। ओ सर सर आपकी खुली, भाई साहब बंद हो गई थी, मैंने वापस से खोल दी बट वो वापस बंद हो गई। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओह $60 आ गए भाई, $60 आ गए। आ जाओ ब्रो फटाफट से,
अबे यार इतनी सस्ती सस्ती गाड़ियाँ क्यों आ रही है? रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, कुछ लैम्बोर्गिनी वगैरह है भाई, इनको तो देख के भी इनका चालान काटने का मन नहीं कर रहा भाई। फोर सीटर है ये इसकी, सिंगल सीटर गाड़ी लग रही है, इतनी छोटी है भाई। स्पॉइलर लगा रखा है गाड़ी के पीछे, ये देखो ये भाई साहब को, अंकल जी ये सुपर कार नहीं है ठीक है। सबसे पहले तो आप पहले चेक कराओ यार, हम यहाँ ड्यूटी लगी हुई, क्या फालतू बातें कर रहे हैं। स्पॉइलर स्पॉइलर गाड़ी मेरे को पहले इसकी चेक करनी है सर। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स, पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे उसके बाद गाड़ी में मिस्टेक चेक करेंगे। सर का नाम हम लोग यहाँ पर मैच करते हैं, मिस मैच है भाई, मिस मैच है, यानी इसकी गाड़ी एंट्री परमिट ही गलत है तो इसकी गाड़ी पहली बात तो अब रिटर्न जाएगी और बाकी चलान वालान काट के भेजेंगे ऐसे थोड़ी। ये भी मिस मैच है, लेट्स गो। ओ ओ ओ ओ पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर भी मिस मैच है भाई, किस खुशी में घूम रहा है तू यहाँ पर। और इसका ये, वाओ भाई एंट्री परमिट भी जो है मतलब इनवैलिड हो चुका है। बाकी गाड़ी का वेट जो है 550 मैक्स होना चाहिए इसकी गाड़ी के हिसाब से, क्या पता इसने गाड़ी में कुछ भर रखा हो। तो हम लोग पहले वेट भी चेक कर लेते हैं, इसकी गाड़ी का वेट भी ऊपर जा रहा है, मैक्स उसमें है 550 और इसकी गाड़ी का भी वेट दिखा रहा है 660। तूने किसी की बॉडी वॉडी तो नहीं डालना कि पता लगा 100 किलो का बंदा इसके अंदर भर के ले जा रहा है। सोच रहा छोटी गाड़ी है तो हमें पता नहीं चलेगा, बट कोई भी नहीं है यार, शरीफ हो अंकल जी आप मेरे को लग रहा है, बट आपकी गाड़ी बहुत कचड़ा है, पीछे का शीशा टूटा हुआ है, साइड मिरर्स तो खैर लगे हुए हैं और बाकी सभी ठीक है। ओ टायर, इसकी गाड़ी के देखो टायर फट, क्या पागल है गई एकदम ही, कहाँ ले जा रहे हैं इस गाड़ी को, इधर तेरी ऐसी की तैसी, इतना बड़ा चालान काटूंगा नंगा होके जाएगा। पहली बात तो इसकी गाड़ी का एक टायर खराब है एंड विंडोज भी जो है शायद से दो टूटी हुई है इसकी गाड़ी की। बाकी इसके पास इसका नाम भी गलत है, एक्सपायरी डेट भी है, पासपोर्ट नंबर भी गलत है, स्टैंप भी स्टैंप गलत कर देते हैं अपनी ऐसी तैसी में जाए। और बाकी तू निकल यहाँ से, तू वापस निकल, तेरे को नहीं जाने देंगे हम फटाफट से, ले भाई 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 भाई। धमकी दे रहा है यार, ये धमकी कैसे दे रहा तेरी भैंस की, बाहर निकल भाई, वो आगे कहाँ जा रहा है? अच्छा अच्छा मोड़ने गया, बेटा भूत बना देता अभी अगर आगे चले जाता तो वापस चला गया बेचारे की, दो विंडो भी टूटी हुई थी। मैं तो देखो यार उसकी दिक्कत है, अगर मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो वापस भेजना ही भेजना है, अदरवाइज हमारी सैलरी में से पैसा कट जाएगा। रॉन्ग पेपर चेक, भाई पैसे किस बात के काटे मेरे $30, मैंने शायद कोई पेपर गलत चेक कर दिया, पता नहीं यार। चलो कोई नहीं, आ रही है एक अगली गाड़ी, इसका तो भाई आते ही गया चालान, आगे का शीशा ही टूटा हुआ है बंदे की गाड़ी का। भाई सब्जी ये तो लगवा लो, कहाँ जाना चाह रहे हो? 1 2 3 भाई लड़के आ रहे हैं क्या भाई? गाड़ी पहली चेक कर लेता हूँ, ये बंदा मेरे को अलग ही लग रहा है, भर भर तो नहीं रखा गाड़ी में कुछ, ये भी कह रहा होगा यार सीधा गाड़ी वाड़ी रोकी नहीं, बातचीत करी नहीं, सीधा सामान खोलना शुरू कर दिया। इधर आओ ब्रो, आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ यार, सबसे पहले तो लाओ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। हाँ तो भाई साहब जी के पास पहली बात तो परमिट कार्ड नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि बिना परमिट कार्ड मुझे इसे आगे भेजना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इसकी व्हीकल कार्ड से हम लोग इसका पासपोर्ट मैच करा लेते हैं, नाम तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी परमिट कार्ड है नहीं तो मैं और कुछ चेक कर भी नहीं सकता। इसकी गाड़ी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा है तो मैं सीधी सी बात है यहाँ पर लगा देता हूँ कि हाँ भाई इसकी गाड़ी की विंडोज़ 3 खराब है। और दिखाओ भाई, साइड मिरर्स लगे हैं, वाओ साइड मिरर्स तो लगे हुए हैं, दोनों साइड के मिरर्स लगे हैं, हेडलाइट भी एकदम ठीक लग रही है, टायर भी एकदम ओके है। तू जा यार, तू बच गया, तू जा सकता है, कोई दिक्कत, बस इसकी विंडोज टूटी हुई है सारी, तो मेरे हिसाब से मुझे इसे भेज देना चाहिए, 3 विंडो टूटी है बस, जाओ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट परमिट कार्ड के बिना भेजना, मेरा चल मेरे पैसे कटेंगे अगर परमिट कार्ड के बिना मैंने इसे भेजा, मुझे मालूम नहीं है, मैंने वो बुक भी नहीं रीड करी थी, चला गया तब पैसे कटे और अगली बार वापसी आएगा ना पकड़ के पैसे। ओ सही था, बिना परमिट कार्ड के हम लोग शायद भेज सकते हैं। ओके अभी क्या करूं भाई, 3 मैंने चेक तो कर लिए सही से, भाई मैं 3 चेक कर चुका हूं, मैं जा रहा हूं सोने, मेरी ड्यूटी खत्म, बट ज़्यादा पैसा कमाना है तो और चेक कर लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है यार, हमें तो मेन अभी पैसों से मतलब है। आ जाओ भाई, 2 गाड़ियां रह रही है, इनको भी जल्दी से निकालता हूं। उत्तरी इसकी तो कुछ खतरनाक सा बंदा लग रहा है भाई, तगड़ी गाड़ी लेकर आया है ये, सुजू टाइप बट बहुत गंदी है, इतनी भी अच्छी नहीं है। सर आप साइड मिरर वगैरह, तो साइड मिरर बड़े नकली क्वालिटी के लगाया, कुछ दिख तो रहा है नहीं, इसको लगाना ना लगाना एक बराबर है, बाकी गाड़ी टूटी हुई है या फिर है ही ऐसी, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। नहीं ये गाड़ी टूटी हुई है ऊपर से, आप लोग एक बार ही देखो भाई, बारिश में तो बंदा भीग जाएगा, इसको फरारी क्यों बना रखा है भाई तूने। बाकी इसकी गाड़ी की एक विंडो टूटी, ओ नहीं सॉरी इसने विंडो खोली, अभी तो खाली पीली का चालान इसका कट जाता भाई, रात होने वाली है, मुझे ड्यूटी खत्म करके घर जाना है। हाँ भाई जल्दी से तू अपने कार्ड दिखा, नाम गलत हुआ ना बेटा, पासपोर्ट एक भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई, नहीं गाड़ी से बाहर निकाल, गेट खोल तू, तेरे को गाड़ी से बाहर निकाल के मारूंगा अगर हल्की भी दिक्कत हुई। ओके तो नाम इसका मिस मैच है, तू सीधा वापस निकल, गाड़ी इसकी ओके है, सीधा वापस भेजते हैं इसको। सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ना ठीक करा के लाओ, फिर हमसे बात करना,
ओ मेरा चालान कटेगा भाई, मेरा चालान नहीं कटेगा मतलब मेरी सैलरी कटेगी। मैंने इसके अंदर नहीं लगाया इसमें क्या क्या कमी थी, मुझे इसके अंदर भी बताना होता है। अब मेरे पैसे कटेंगे मैं 100% श्योर हूँ। जा यार वापस, तेरे चक्कर में नुकसान हो गया जल्दबाजी में भाई, रात होने वाली भेड़िया भेड़िया आ जाए। ओ ऊपर सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है। अरे यार देखो मैंने कहा था ना भाई, पूरे पैसे कट गए भाई अपने, $100 गए हैं सीधा। सिर्फ एक गलती है कि हमने उसमें इंस्पेक्शन में लगाया नहीं कि हाँ भाई इसकी दिक्कत क्या थी डॉक्यूमेंट्स की। ओके तो यहाँ पर एक और भाई साहब जी आ रहे हैं। रोक दो गाड़ी रोक दो। सबसे पहले तो इसकी गाड़ी में ना वजन बहुत लग रहा है, मैं पहले ही वेट चेक कर लेता हूँ, फिर उसकी गाड़ी का चेक करूँगा कितना। ओके 1480 इसकी गाड़ी में भी वेट है टोटल। और गाड़ी में पीछे कुछ बॉडी वॉडी तो नहीं रखी भाई, पता चला कुछ। बार बार दिमाग में एक ही चीज़ क्यों आ रही है। सॉरी गलती से गेट खोला है, रुक जा, चिल्ला कैसे रहे बे। हाँ लाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ, अभी मैं इसे चेक करता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स। ओके तो अभी फटाफट से मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स खोल लिए हैं। नाम मेरे को इसका बिल्कुल सही लग रहा है, और इसका पास मैं और कुछ तो चेक कर ही नहीं सकता, यही चेक कर सकता हूँ। बाकी गाड़ी में इसके साइड मिरर्स लगे हुए, ओ आगे का बम्पर टूटा हुआ है, आगे का बम्पर टूटा हुआ है इसकी गाड़ी का, और बैक साइड वाला भी, बैक साइड में तो बम्पर लगा हुआ है। ओ बैक साइड की लाइट टूटी है ब्रो, रुक जाओ दो चीज़ का चालान मैं आपका फटाफट से काट लेता हूँ। मैं गेट के सॉरी बार बार बता रही हूँ, गेट खोल देता हूँ इसका, वो भी डर जाता होगा शायद, बाहर निकाल के कूटेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या दिक्कत थी इसकी गाड़ी में, मिसिंग बम्पर्स, एक बम्पर इसकी गाड़ी का मिस है और इसकी गाड़ी की एक लाइट टूटी हुई है। बाकी मेरे हिसाब से इसकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, आपका पासपोर्ट एकदम ओके ओके चल निकल यहाँ से। अरे वेट नहीं चेक करा भाई, वेट की मैंने वहाँ तो चेक कर लिया था, बट इसकी गाड़ी का मैक्स वेट नहीं चेक करा था मैंने। सही होगा मेरे हिसाब से भाई, भारी गाड़ी है, सामान भी हल्का ही था ज़्यादा। ओके कुछ तो दिक्कत हुआ भाई। ओके फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और मैं बोल रहा था कि भाई ये ना एकदम घना जंगल है, और सच्ची में बैकग्राउंड में से ना भेड़ियों का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, मतलब जो हाउलिंग होती है उनकी। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने कैबिन में, अपार्टमेंट है। ओके फटाफट से अभी हम लोग चल कर इसके अंदर सोते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से आएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो अपना करेक्ट चेक है 250 और मिसिंग कंप्लीट है 100, और बाकी इनकरेक्ट चेक -180 और मेंटेनेंस वाइज आप बहुत नुकसान ही हुआ, उल्टा हम लोग -$130 नुकसान में चले गए। यहाँ हम लोग जॉब करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, पैसा गवाने आए हैं भाई, अलग ही नुकसान हो रहा है। ओके गाइस डे 2 हम लोग सोकर उठ चुके हैं, सुहाना सा दिन है फ्राइडे। ओ यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लिस्ट लगी हुई है, ये किस चीज की लिस्ट है यहाँ पर रीड करना पड़ेगा इसे। ड्राइवर नेम सावडा, पार्शल रजिस्ट्रेशन नंबर PYN, और कॉन्ट्रावेंड हाई लोकेशन टायर्स। ओ टायर्स में उसने कुछ खतरनाक आइटम छुपा रखा है, और बंदे का नाम क्या है सावडा। ओके ये शायद से ना अभी रिपोर्ट आई है, इधर से ही गाड़ी आएगी, मुझे उस बंदे को पकड़ना है। और दूसरा बंदा क्या है, व्हीकल टाइप जावेद है, व्हीकल कलर ग्रीन। इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है, और कॉन्ट्रावेंड हाइड लोकेशन है कैबिन, उसने अपनी गाड़ी के कैबिन में कुछ छुपा रखा है। दो बंदों के नाम याद करने, पहला बंदा सावडा है, और दूसरी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है जावेद। तो जावेद नाम की जो गाड़ी आएगी उसे मुझे रोकना है। फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, ले आओ भाई सब फटाफट से आगे ले आओ, बाकी तो भी देखते हैं। यही तू ही तो नहीं है जावेद, मेरे को शक्ल से तो लग रहा है थोड़ा सा। रोक दे भाई, रोक दे गाड़ी। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। हाँ हाँ ठीक है। ओके तो सबसे पहले हम लोग इसकी नाम या फिर इसकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। लाओ सर मेरे हाथ में दो। अगर ये गाड़ी जावेद हुई, या फिर इस बंदे का नाम मैं भूल गया यार, मैं क्या ही पकड़ूंगा, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। हाँ बंदे का नाम सावदा हुआ, तो इस बंदे को हमें भाई लपेट देना है, यही वो बंदा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर इंटेल ही ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रावेंड समवेयर इन द कैबिन। ओके यही है वो बंदा शायद से। आ जा बेटा बाहर आ जा फटाफट से, साइड खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। फर्स्ट वी नीड टू सम टूल्स फॉर द जॉब। ओके तुम्हें पहले कुछ टूल्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर ये हमें नाइफ मिला है शायद से। ओके तो इस नाइफ के थ्रू शायद से हमें उसके कैबिन में थोड़ा बहुत चीर फाड़ करनी पड़ेगी, ताकि हमें नज़र आ जाए कहाँ पर इसने खतरनाक आइटम छुपा रखा है। गद्दी फाड़नी है, ओ तेरी भाई इसके अंदर सच्ची में कुछ है। ओ भाई पैसा लेकर जा रहा है, ले आ ले आओ भाई पैसा ले आओ फटाफट से। ये वाली भी गद्दी फाड़ देते हम लोग। ओके गाइज ये वाली गद्दी भी मैंने फाड़ दी है, और यहाँ पर भाई पता नहीं इसने कुछ तो रखा हुआ है, ये बाहर भी नहीं निकलना, निकल बाहर ऐसी की तैसी तेरी। ओके आ गया भाई, पता नहीं क्या है भाई ये। ओके तंबाकू है भाई ये, और नीचे वाली गद्दी भी मैंने फाड़ दिया है इसमें तो फिलहाल। ओ इसके अंदर भी कुछ है अल्कोहल। भाई कितना खतरनाक सामान ले लेके जा रहा है तेरी ऐसी की तैसी है बे। भाई चिड़िया क्यों बन रहा है भाई, ये अलग ही भाई। रुक जाओ यहाँ पर इसके पीछे वाली हम लोग सीट पे भी चेक करते हैं, सारी सीट मैं पूरी छेद कर डालूँ। इसके अंदर शायद कुछ भी नहीं है भाई, ये मजबूत लग रही है, ये पूरी 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 सॉलिड है भाई। हाँ तो अभी सबसे पहले मुझको आपको अरेस्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अरेस्ट करते हैं ना। ओके हाँ
सीधा अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने इसको। अब भी अपनी सैलरी बढ़ने वाली है, लास्ट डे हम लोग इतना ज़्यादा नुकसान में चले गए थे, आज वो वसूल हो जाएगा एक ही बंदे से। ओके, तो अभी हम लोगों ने इसको अपने अंदर जेल में या फिर लॉकर में डाल के बंद कर दिया है, अब करा है बंद, सॉरी। और यहाँ पर सर आप इसका ध्यान रखना, पता चला आपकी दो रैप्टे दे के वो निकल जाए। और ये क्या, नहीं नहीं मेरे को बात नहीं करनी अभी, फटाफट से हम लोग इसको बंद करते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, तो अपनी इन्वेंटरी में इतना सारा सामान आ चुका है, फटाफट से हम लोग इसको अपनी स्टोरेज में डालते हैं, इसको बंद करते हैं और चलते हैं हम लोग बाहर बाकी गाड़ियाँ चेक करने के लिए। अभी एक और क्रिमिनल है, उसे भी हमें पकड़ना है। फिलहाल सबसे पहले अच्छा मुझे गाड़ी यहाँ से हटवानी पड़ेगी। ओह, ये तो वही बंदा है शायद से जिसके साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलो सर फटाफट से गाड़ी यहाँ से हटा दो, ठीक है ना, अपने पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हटा दी भैंस की, ये तो बड़ा चालू बंदा है, यहीं खड़े खड़े हटा दी भाई। अभी मुझे दूसरी गाड़ी को भी यहाँ पर बुलाना है, आ जाओ सर जल्दी से। ओके ब्लेड्स, ओ मुझे अभी और सामान लेना है सामने से, ताकि अच्छे से हम लोग गाड़ियाँ भी चेक कर पाए। तो यहाँ पर एक ये आइस एक्स है, इसको ले लेते हैं हम लोग। ये क्रोब आ रहा है, और यहाँ पर ये एक शवल है क्या, ओके ये पिच फॉक है। तो अभी ये सारी आइटम्स मैंने ले लिया है, अभी हम लोग अच्छे से गाड़ी में भाई चीर फाड़ कर पाएंगे, एकदम अलग ही मजा आने वाला भाई। देख रहे हो भाई क्या क्या आइटम है भाई, खतरनाक है। अभी फटाफट से हम लोग अपनी नेक्स्ट कार को बुलाते हैं। अभी कार टाइप हमें ढूंढना है, एक बंदे को तो हमने पकड़ के अंदर कर दिया, अभी नहीं नहीं कार टाइप हो चुका है, अब हमें ढूंढना है सेवदा नाम के बंदे को। सेवदा है सेवदा, पता नहीं सर आपका नाम सेवदा तो नहीं है, पर सेवदा तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ले आओ सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं भाई साहब के। तो ये आ गए डॉक्यूमेंट्स, और इस बंदे का नाम सेवदा तो नहीं है, बच गए। बाकी हम लोग इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, कार्ड अगर इसका ठीक होगा तो इसको हम लोग जाने देंगे। ओ सॉरी मैंने गलत मैच कर दिया, पासपोर्ट नंबर इसका मैच बिल्कुल सही है, और एंट्री परमिट देखते हैं वैलिड है या फिर नहीं। वैलिड है यार, सीधी सी बात है, जा सकता है, बट थोड़ा बहुत चलान इसका कटेगा क्योंकि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। बाकी तो ये सब ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इसकी गाड़ी मेरे को बिल्कुल ओके लग, ओ दो ग्लास टूटे हैं, ठीक है दो ग्लास टूटे और एक साइड मिरर मिस है। सर आपका चालान थोड़ा सा काटना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पर लिस्ट में भी लिख देता हूँ मैं। हाँ तो इसके दो साइड, एक साइड मिरर टूटा है और दो विंडो टूटी है, एक दो, लेट्स गो। मेरे हिसाब से भी इतना बहुत है, और अब आप जा सकते हो, इस टाइम पे मैंने लगा दी भाई। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम किसी का परमिट सेट कर रहे हैं कि वो जा सकता है या फिर नहीं। ओके मेरा चला भाई, मैं अभी भी -$25 में चल रहा हूँ यार, मतलब कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है इतनी देर। ओके $70 मिल चुके हैं, और फाइनली हम लोग $45 कमा चुके हैं। अभी भाई ये ट्रक वाला ही बंदा मेरे को लग रहा है, इसी का नाम होगा, एक मिनट नाम क्या था, नाम मैं भूल जा रहा हूँ, सेवदा भाई लग रहा है, इसने कुछ ना कुछ तो भर रखा होगा इसके अंदर। सेवदा अगर तू है तो तू मरा है बहुत गंदी तरह। कि भाई पहले तो इसका वेट चेक कर लो भाई ट्रक के अंदर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम लोग कोई 3480, बट ये ट्रक के हिसाब से कुछ है तो नहीं अंदर, ठीक ही लग रहा है यार ये बंदा भी। बाकी इसकी डिटेल्स निकालते हैं, अगर ये सेवदा हुआ तो इसकी किस्मत ख़राब है। हेलो लाओ भैया डॉक्यूमेंट्स लाओ, ले आओ। ओके तो इसका नाम है, इसका नाम सेवदा नहीं है, इसका नाम है एली। बाकी इसके हम लोग पासपोर्ट चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वेरीफाई कर लेते हैं। व्हीकल कार्ड भी एकदम ओके है, पासपोर्ट नंबर भी परफेक्ट है, परमिट डेट भी एकदम वैलिड है, तो ये पहली बात तो जा सकता है। बाकी अब देखते हैं इसका चालान कटना चाहिए या फिर नहीं। ट्रक तो मेरे को इसका बिल्कुल ओके लग रहा है, टायर से ख़राब कहेंगे नहीं यार, टायर सही है, बेचारा मिट्टी में दौड़ाता हुआ ला रहा, सीधी सी बात है थोड़े बहुत गर। भाई ये बंदा बिल्कुल ओके यार, पहला बंदा मिला है जिसकी गाड़ी में कोई भी कमी नहीं। वो देखो वो पीछे वाला ग्लासेस का टूटा हुआ है, आ जा बेटा कटवा ले, थोड़ा सा चालान तो देख कटेगा, हमारी भी तो कुछ फीस है। हाँ तो अभी बस इसका एक विंडो टूटा हुआ है पीछे वाला, बस इसको भी हम लोग आगे जाने दे सकते हैं। और मेरी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, इससे ज़्यादा टेंशन मेरे को हो रही है भाई कि मेरे पैसे ना कट जाए। $45 हैं, प्लीज़ माइनस नहीं होने चाहिए। पता चला ये वही बंदा था, उल्टा पागल बना गया मेरे को। नहीं यार मैंने एक चीज़ चेक करा है, ये सेवदा नाम था ना भाई, मैं बार बार नाम। ओके $40 और मिले हैं, और $10 माइनस हुए, रॉन्ग व्हीकल डैमेज। भाई शीशा टूटा हुआ था सही में बे यार, एकदम ही फ्री के $10 कट गए यार, शीशा 100% मैंने देखा टूटा हुआ था। फिलहाल अभी गाड़ी आ रही है अगली, इसकी गाड़ी में पहली चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ओके है सब कुछ, एकदम मेरे को ठीक लग रहा है। और साइड मिरर्स भी, गाड़ी गंदी बहुत है यार, ये गाड़ी बंद हो जानी चाहिए, लग भी नहीं रहा पहुंच पाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक। गाड़ी में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, टायर्स वगैरह मैंने सब कुछ चेक कर लिया, एक बार साइड के टायर्स में चेक कर, सब ओके है भाई। अब बस मेरे को इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने, इसको जाने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ सर। हाँ तो बंदे का नाम है पता नहीं क्या नाम है, इसको हम लोग मैच कराते हैं, एकदम ओके है, इसको पासपोर्ट से मैच कराते हैं, ये भी सही है। व्हीकल का वेट मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 1700 उसमें लिखा हुआ है, और अभी हम लोग चेक करते हैं, बिल्कुल ओके यार ये भी ओके है।
भाई ये बंदा पहला बंदा दिखा है जो बिना कोई सी दिक्कत के जा सकता है। बस इसको देख लेते हैं परमिट इसका वैलिड है या फिर नहीं है। ओके सब कुछ ओके, जा यार तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे नहीं कटने चाहिए भाई। गाड़ी इसकी एकदम ओके थी, फटाफट से निकल ले वरना बेटा यही मारूंगा। ओ तेरी, मैंने गलती से शीशा तोड़ दिया उसकी गाड़ी का, मेरे पैसे $10 कट गए यार, मुझे पता नहीं टूट जाएगा बट $50 हमें मिले हैं क्योंकि उसका ओल्ड डेटा करेक्ट था। आ जा भाई मेरे हिसाब से गाइज, अभी ये वही बंदा है जिसका नाम सावदा है। आ जा भाई, यही मेरे को लग रहा है। इसको सीधा ना पहले गाड़ी से, अबे ये तो फिर से आ गया क्या, टूटी गाड़ी वाला। तू बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा फटाफट से, पहले बाहर आ जाओ, यही होगा क्योंकि आखिरी यही बंदा बचा, उन्होंने कहा था गाड़ी यहीं से निकलेगी। नाम दिखाओ सर, अब अपना सावदा नाम नहीं होना चाहिए इसका, तुरंत मारूंगा इसको मैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, इसका नाम है सावदा भाई, मुझे पता था यही है। एक मिनट रुक जाओ तेरी भैंस की। अभी देखते हैं ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सबसे पहले तो हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत है भाई, यही जब बंदा है तो डॉक्यूमेंट्स क्यों चेक करें भाई। अभी हम सीधा इसको बस अरेस्ट कर लेते हैं फटाफट से कि कुछ चेक कर लो। नहीं नहीं गाइस, पहले हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार ये सामान क्या लेकर जा रहा था, तभी उसके में और पैसे मिलेंगे। टायर्स में यहाँ पर लिखा है इसके सामान है, और टायर्स का सामान निकालने के लिए हमें ये वाला टूल चाहिए। फुल टायर तेरी ऐसी जैसी, इसको तेरे कुछ कह रहे हैं, हम अपने टायर चेक कर रहे हैं चुपचाप। ओ भाई साहब, भाई साहब स्टिकी बॉम्ब्स लेकर जा रहा है, इतने खतरनाक वेपन। रुक जाओ, आगे का बम्पर भी नहीं है गाड़ी में। ये भी खोल टायर तेरी ऐसी की तैसी, ये निकला भाई भाई भाई, बहुत गलत गलत चीजें ये लेकर जा रहा है यार इस गाड़ी में। खोल इसको। ओ भाई भाई कितने वेपन्स है भाई, ये तो एकदम ही खतरनाक वाला टायरिस्ट है। उधर हट पीछे, मेरे को चेक कर रहे थे, अच्छे से चेक करूंगा मैं। ओके बहुत कुछ हमें इसके अंदर से मिल गया है, अभी इसको अरेस्ट करते हैं। आ जाओ सर, बहुत हो गया आपका, अभी अपनी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी भाई। 265 जाते जाते गाइस हमने $265 कमा लिए भाई, वरना तो नुकसान हो गया था गंदे वाला। ओके तो दो बंदों को हमने अंदर ला के बंद कर दिया, इस गेट को हम लोग बंद कर देते हैं। अब ये दोनों है इस टाइम पे सेल के अंदर, अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर। कोई गाड़ी बची है क्या? अभी तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी मेरे को नजर नहीं आ रही। अच्छा बे, तेरे को बार बार ही बोलना पड़ेगा बुड्ढे पागल, ये गाड़ी नहीं दिख रही, इसको हटा यहाँ से, खड़ा हो रखा है, एक सेकंड का काम है वो भी नहीं करता है। देखो ये बटन दबाया और सामान गायब, पर तब भी इसको आलस आ रही है, खुद बताना पड़ रहा है इसे। अभी फिलहाल हम लोग चल कर भाई जल्दी से सोते हैं, अपनी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, हमने $290 कमा लिए भाई, लेट्स गो। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो पे जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 400,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पर न्यू है नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे देखो मत, उसे दबा दो भाई फटाफट से। और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा, इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।